राम राम जी, मैं आपका प्रणामित बॉस नरवाना और वर्ल्ड में जाना। तो भाई आजकल लव मैरिज का क्रेज चल रहा है, जोरों शोरों से चल रही है और ज्यादातर लव मैरिज होने लग रही है। ज्यादातर के सारी ये लव मैरिज होने लग रही है। मारा वर्गे रह गए कुआरे, नुका किले आंदे नी, सरकारी नौकरी पांदी नी, प्राइवेट की कोई वैल्यू नहीं, अरे साफ सुथरा दिल का साफ और गुणवान बालक है, या बात छोरी आ समझ में आंदी नहीं। अरे फिर राजा बालक कुआरे, और फिर लेने पड़ा है तकड़े फैसले, क्योंकि कईया ना फेमस होना है भाई, लव मैरिज कर लिया वीडियो वायरल हो जाएगी, और कई तो मैरिज उनसे अरेंज कर रहे हैं, मैं भी लव मैरिज में दिखा दे भाई, वीडियो चल पड़ेगी हमारा भी काम चल जाएगा, $100 हो जाएंगे भाई, चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, तो फूस उठ रहा है। फिर क्या करे लड़का, लड़की के साथ दोस्ती करता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है, गाड़ी दुआ दूंगा, बंगले ले आ दूंगा, न्यू कर दूंगा, महंगी शॉपिंग कराता है, मांग में गाड़ी हुआ है, मांग में मोटरसाइकिल हुआ है, माँ बाप के नजायज पीछे फूक दे है, पिज्जा बर्गर चाउमिन इडली डोसा बिरयानी केक के खड़ा है, यार दोस्तों पे कर्जा लेगा भी छिक ले है, और बाद में क्या कर लेता है, कोर्ट मैरिज यानी लव मैरिज। तो लव मैरिज हो जाती है, माँ बाप को कुछ नहीं पता, क्योंकि न्यू बेरा छोरी वाले मानना है को नहीं, छोरा वाले तो मान जाए, न्यू बेरा इसका तो ब्याह ही नहीं होता, ठीक है बहू ऐसे ही करा, छोरा वाले तो मान जाएंगे, लेकिन रोला तो छोरी वाले का है, क्योंकि उनती तो पैसा बोलता है पप्पू पैसा। तो फिर भाई 6 महीने साल बाद क्या होता है, जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे पीछे तो उन्दे नहीं, कर्जा में दबरिया हुआ है, पाछे तो बेरा लाग गया छोरी ने, जब तो न्यू दिखाए दे है, ये तो वन मैन आर्मी है, ये तो वन इन ए मिलियन है, और लेकिन बाद में पता लग गया नहीं कि भाई तो नंगड़ है, फिर नुका नंगड़ा गए ब्याह दी, मैं तो ना नंगड़ा गए ब्याह दी हो, किसे तो नहीं कंदी कुत्ते को खुद ने कोसा है। और बाद में जब वे उम्मीद नजायज हो जाए हैं, लड़का पहला तो सपने नजायज दिखावा है, फिर छोरी हुए बहम पैड़े हैं, उसे तेरिया की लाइफ चाहिए जो ब्याह तो पहला थी, जानू बेबी सोनू मोनू लट्टू बिट्टू चिट्टू बिरयानी के कमा भाई, तो पीछे खत्म हो गए भाई। तो छोरी ने जो उम्मीद देख रखी थी, जो सपने देख रखे थे, छोरा दिखाए रखे थे, उनकी वजह से फिर क्या हो जाए तलाक है। और कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं मेरे भाई, कोई नहीं होता भाई, ठीक है, यदि खुशबू आएगी तो आप हकदार होगे, और जे कांटे आवेंगे तो उस दर्द के भी आप हकदार होगे, क्योंकि बीच में कोई था ही नहीं, जहां तक सियाने मनुष्य क्या करें, माँ बाप का होना जरूरी है, क्योंकि जो दो बर्तन होंगे वो तो खड़केंगे, झूठे सपने ना दिखाओ, क्योंकि टेम काटन में और जिंदगी काटन में दिन रात का फर्क है मेरे भाई। लड़की वाले ने देखा भाई, नशेड़ी गंजेड़ी समैकी किसे भी हो, 40,000 कमावे है, 50,000 कमावे है, न्यू तो देख ले इसका जो जोड़ा है, तेरी छोरी के लिए बढ़िया भी लग गया कि नहीं, सिस्टम बनाया भी है कि नहीं, अगर न्यू मतलब टाली बाज जाए भी है कि नहीं, और दूसरे ने सुतरा लग गया भी है कि नहीं, मतलब ऊँ धक्का दें, मतलब पीछे अगला तालमेल बनावा है, इंसान अगला तो तालमेल कोई बनाता ही नहीं। ब्याह का लाडू जो खावे वो भी पछतावे, और जो नहीं खावे वो भी पछतावे, अरे खाए तो सारे लेवे, फिर सबने पांदा तो को नहीं तो भाई वाद विवाद हो जाता है, सिचुएशन यदि क्रिटिकल हो जाती है तो खुद को संभालें, झुकना सीखें, घर बसाने के लिए गम भी खानी पड़ती है और झुकना भी पड़ता है। सोशल मीडिया पर ना तो खुद की बदनामी करवाओ, ना दूसरा की बदनामी करवाओ, यदि इस प्रकार की सिचुएशन रखोगे या इस प्रकार की सोच रखोगे तो वह बात है, आप सोशल मीडिया में उसकी बदनामी तो कर दोगे दूसरा पक्ष की, तो बदनामी होने के बाद क्या है, तो फिर वो आपकी जिंदगी में आवे को नहीं, ठीक है, तो फिर जमीन तो आसमान उड़ने तो परना हो जियो जाए, क्योंकि बदनामी तो होली उसकी, तो इसलिए 5 या 10 बंदे में जो बात है आपकी घर घर में बात है उसको वहीं संभाल के रखो, और ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि आपके घर का फैसला है वो, सोशल मीडिया का फैसला नहीं है, समाज का फैसला नहीं है, समाज में ये चीज ना ले आया करो भाई, लव मैरिज कर ली तो अपने गम खाक है झुक है उसको निभाना सीखो और अपना घर बसाओ, तो ये बात कहना चाहूंगा। और सोशल मीडिया पे हुड़दबंग करने का कुछ नहीं बनता, फिर तो घर बसदा ही नहीं, ये देखने लग रहे हो आजकल आप, तो यही कहना चाहता हूं, आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।